लोहरदगा में बाईपास सड़क निर्माण में भूमि अधिग्रहण होना है, जिसमें सेन्हा थाना क्षेत्र के अरूप पंचायत में भी जिला प्रशासन की ओर से मुआवजा की राशि 3300 रुपए प्रति डिसमिल तय की गई है, जो रेतों की जमीन के अनुसार बहुत ही कम राशि भुगतान की जा रही है। अरुगाव के ग्रामीणों ने जिले के उपायुक्त कार्यालय का घेराव किया है। मौके पर उपायुक्त ने ग्रामीणों की सारी बातें सुनकर लोहरदगा अनुमंडल पदाधिकारी को मामले की देखने को बोल दिए हैं। ग्रामीणों ने उपायुक्त से आरू के भूमि अधिग्रहण मुआवजा की राशि बढ़ाने की मांग की है। हम लोग ग्राम अरू सेन्हा प्रखंड से आए हुए हैं। बाईपास सड़क का जो निर्माण अभी उसमें होना है, जिसमें हम सभी रैयतों का जमीन सरकार अधिग्रहण कर रही है, उसके एवज में जो मुआवजा की राशि तय की गई है सरकार के द्वारा 3300 रुपये प्रति डिसमिल, ये बहुत कम राशि है। चूँकि सभी रैयत जो हैं उसी भूमि पर आश्रित हैं, सभी कृषि से जुड़े हुए हैं और सबका रोजगार एकमात्र कृषि है, और वो भूमि अधिग्रहित हो जाने के कारण सभी रैयत बेरोजगार हो जा रहे हैं, और जो राशि मिल पा रही है उससे जीवन यापन संभव नहीं है। इसी मांग को लेकर हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं डीसी साहब के पास कि कम से कम जो मुआवजा है उसको प्रति डिसमिल 1,00,000 रुपये किया जाए, और नहीं तो उसके एवज में जो जितनी भूमि हम लोगों की जा रही है उतनी भूमि जो कृषि योग्य हो अगल बगल में ये उपलब्ध कराया जाए, ये हम लोगों की मांग है। नाम बता। नाम मेरा गौतम प्रसाद साहू। ठीक, लेने के लिए हम लोग तैयार हैं। अरू मौजा से जो जा रहा है बाईपास रोड, उसकी राशि बहुत कम है, 3300 रुपये प्रति डिसमिल। हम लोगों की मांग है कि 1,00,000 रुपये प्रति डिसमिल दीजिए, और नहीं तो अगर उतना नहीं दे रहे हैं तो कृषि योग्य जमीन कहीं भी हम लोगों को जितना जा रहा है उतना देने की कृपा करें। क्या परेशानी होगी अगर जमीन आप लोग का जाएगा तो? जब जमीन हम लोग कृषि पर ही निर्भर करते हैं, उसी पर आश्रित है, खेती होता है, तो अगर जमीन चली जाएगी तो परमानेंटली चली जाएगी, और फिर हम लोगों का जो खाने पीने का साधन है वो छीन जाएगा। कितने लोगों की जमीन जा रही है? लगभग 500 लोगों की जमीन जा रही है अरू मौजा से। कितना मुआवजा होना चाहिए जो आपको लगता है उचित है? 1,00,000 रुपये प्रति डिसमिल होना चाहिए जो उचित है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।